आज मैं लेकर आई हूँ प्रसिद्ध सिंधी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि है दाल पकवान। ये रेसिपी स्ट्रीट फूड में भी बहुत ही पॉपुलर है। दाल पकवान घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप पकवान को बनाकर 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी दाल पकवान खाने का मन हो तो झटपट से दाल बनाकर आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा दाल पकवान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु, कुर्मे किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी है दाल पकवान की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए चने की दाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 कप चने की दाल ली थी। इसे अच्छे से धो के 4 से 5 घंटे के लिए भिगा कर रख दी थी। फ्रेंड्स, ये वाले कप से मैं दाल ली थी। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एक कप या कटोरी रख लीजिए क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये भीगे हुए जो दाल है इसे मैं डाल दे रही हूँ कुकर पर। इसे फ्रेंड्स, अगर गर्मी के दिन है तो 4 घंटे में भीग जाएंगे, अगर ठंडी का दिन है तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा इसे भिगाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये दाल को कुकर पर डाल दी हूँ। अब जिस कप से मैं दाल मेजरमेंट करी थी उसी कप से मैं 2 कप पानी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए भीगने के बाद इस पर 2 कप पानी डालें। अब इस पर मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। तो 1/4 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। साथ में ही मैं डालूंगी इस पर 1/2 छोटा चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों को डालकर मैं अभी कुकर के ढक्कन को बंद करके इसको गैस पर चढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसे कम से कम 5 सीटी आने तक के पकाना है। तो आप इसे गैस पर चढ़ा दीजिए और मीडियम फ्लेम पर रखकर 5 सीटी आने तक के इसे पकने दीजिए। 5 सीटी आने के बाद ही आप गैस के फ्लेम को ऑफ करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पूरी 5 सीटी आ गई थी। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ और इसे अच्छे से ठंडा होने दूंगी जब तक कि इसका प्रेशर रिलीज ना हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स, कुकर के ढक्कन से पूरा प्रेशर रिलीज हो गया है। अब यहाँ पर मैं ढक्कन खोल ली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देती हूँ, इस तरीके का दाल पका हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मिला हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम जब चम्मच से इसे चलाएंगे तो ये पूरा मैश नहीं होना चाहिए। इसी तरीके का हमें दाल चाहिए रहेगा दाल पकवान के लिए। तो यहाँ पर इसे आप हल्के से चम्मच की सहायता से इसे दबा दें। इसे पूरे दाल की तरह हमें फेंटना नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर दाल पकवान बनाने के लिए दाल रेडी है। अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी। उससे पहले मैं मसाला बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं हल्दी पाउडर ली हूँ, साथ में लाल मिर्ची पाउडर, साथ में ही मैं डालूंगी धनिया का पाउडर और साथ में ही मैं इस पर डाली हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मसाला पहले से ही बना कर रख लीजिए, इसे हम बाद में अभी तड़के में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक कढ़ाई पर तेल चढ़ाई हूँ। यहाँ पर हमें तड़के के लिए 3 चम्मच तेल चढ़ाना है। तो मैं कढ़ाई पर तेल चढ़ाई थी और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स, एक बार तेल अच्छे से गर्म हो गया है, एक बार चेक कर लीजिए। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैं इस पर डालूंगी जीरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। साथ में यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में मैं यहाँ पर डाली हूँ 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक बार फ्रेंड्स, इसे मुझे फ्राई करना है। केवल 1/2 मिनट के लिए ही इसे फ्राई करें ताकि अदरक और मिर्ची हल्की सी फ्राई हो जाए। अब मैं इस पर डाली हूँ 1 चुटकी हींग और साथ में मैं डालूंगी 5 से 6 करी पत्ते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करी पत्ता डालने से दाल का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं बस इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। अब मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर डालूंगी ये जो मसाले हमने बना के रखे थे वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, साथ में ही लाल मिर्ची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच का इस्तेमाल करी हूँ। फ्रेंड्स, मसाला पहले ही बना ले ताकि यहाँ पर तेल में डालने के बाद हमें इसे भूनने में आसानी हो। इसे 1/2 मिनट के लिए भूनकर अब इस पर दाल डालें। फ्रेंड्स, मसाले को जलाना नहीं है, बस 1/2 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अब मैं इस पर दाल को डालकर इसे अच्छे से मिला दूंगी। फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पर इसे अच्छे से मिलाना है ताकि मसाले और दाल जो है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे मैं दाल को अभी थोड़ा सा चम्मच की सहायता से मैश कर दूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें दाल को बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। यहाँ पर इसे मैं हल्के से चम्मच की सहायता से इस तरीके से मैश करी हुई हूँ।
फ्रेंड्स अभी भी आप देख रहे हैं दाल यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसी नहीं हुआ है, तो हमें दाल को इसी तरीके का रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डालूंगी पानी, तो जिस कप से हमने पहले स्टार्टिंग में पानी डाला था उसी कप से आप 1.5 कप पानी डाल दीजिए। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर परफेक्ट दाल बनाना है तो 1 कप दाल पर 2 कप पहले उबालते वक्त पानी डालें, और जब ये पकाना है उस टाइम पे हमें 1.5 कप पानी डालना है, इससे जो दाल की थिकनेस है वो सही आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करें। अगर आप मेरी रेसिपी देखकर बनाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर शेयर करिए ताकि मैं इसे अपनी स्टोरी पर लगाऊं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दाल को मैं उबलने के लिए छोड़ दी थी। फ्रेंड्स यहाँ पर दाल को 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से उबालना है। यहाँ पर दाल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इतना गाढ़ा हो गया है, अभी भी दाल बहुत ज्यादा मैशी नहीं हुआ है, अभी भी इसमें दाल के टुकड़े हैं। तो फ्रेंड्स हमें दाल पकवान के लिए इसी तरीके का दाल चाहिए। अब मैं इस पर लास्ट में डालूंगी ये आमचूर पाउडर, ये डालने से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में मैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालूंगी और फिर इन सभी को अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आप आधे नींबू का रस यहाँ पर डाल लीजिए या फिर आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टा लास्ट में डालने से दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, ये दाल ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगी पकवान। तो पकवान बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ मैदा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मैदा ली हूँ 150 ग्राम। साथ में ही मैं डालूंगी नमक 1/4 चम्मच। साथ में मैं इस पर डालूंगी अजवाइन और साथ में मैं यहाँ पर डालूंगी तेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3 चम्मच तेल का इस्तेमाल करी हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पकवान होता है ये थोड़ा करारा बनकर तैयार होता है, और यहाँ पर ये पकवान के ऊपर दाल डालने से भी ये नरम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच इस पर तेल डालकर इसे अच्छे से मिलाऊंगी। यहाँ पर हमें इसका मुआन लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप तेल की जगह घी या डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं तेल डाली हुई थी और इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लूंगी। यहाँ पर जब एक साथ ये सभी चीजें अच्छे से मिल जाएगी, अभी हमें इस पर पानी डाल के इसका आटा लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक टाइट सा आटा लगा ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें क्योंकि मैदे में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक आटा लगा ली हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके का हमें आटा लगाकर तैयार करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आटा थोड़ा कड़क ही लगकर तैयार होगा। तो ये आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इस को थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। मैं इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दी थी। फ्रेंड्स एक बार 15 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे से और मिला ली हूँ और इसकी छोटी छोटी लोई काटूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से मैं इसका एक लोई ले ली हूँ। अभी फ्रेंड्स हमें इसे बेलकर तैयार करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे बेलूंगी। तो बेलने से पहले मैं बेलन पर हल्का सा तेल लगा ली थी। फ्रेंड्स आप यहाँ पर थोड़े से मैदे लेकर भी इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा बेलन पर तेल लगा ली हूँ, बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें बेलते वक्त। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डिपेंड करता है आप पकवान को किस साइज का रखना चाहते हैं। अगर आपको बड़े बड़े पकवान चाहिए तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से साइज बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े छोटे ही पकवान बना रही हूँ, जैसे कि जो पापड़ी होता है उससे साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा। वैसे तो पकवान बड़े बड़े साइज के बनते हैं जैसे कि रोटी वगैरह के साइज के, लेकिन मैं इसको छोटे छोटे बनाकर तैयार करूंगी। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मोटा या पतला नहीं है। एक बार इसे जिस पर भी आप बेल रहे हैं उठा के अलट पलट लीजिए। अब यहाँ पर मैं फोक ली हूँ और फोक की सहायता से इस पर होल कर दूंगी। ऐसा करने से जो पकवान है वो फूलेंगे नहीं, और जब सेक कर इसे हम 15 दिन के लिए स्टोर करके रखेंगे तो ये करारे बने रहेंगे। अगर पकवान हमारे फूल जाएंगे तो ये बाद में नरम पड़ जाएंगे।
फिर जो पकवान है वो करारे नहीं बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे अच्छे से होल कर दी थी, अब मैं ये इस साइज का ढक्कन ली हूँ और इसे मैं काट लूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से जो मेरे पकवान है वो सभी एक ही साइज के बनेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे ढक्कन की सहायता से काट ली हूँ। या तो फिर आप नॉर्मल इसे बेल कर भी ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी एक साइज का बने इसीलिए मैं इसे काट ली हूँ। ऐसा करने से ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तेल गरम करी हूँ जिस पर कि मैं पकवान को फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तेल को चढ़ा दी थी गरम होने के लिए और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैं तेल को गरम कर ली हूँ। अब यहाँ पर मैं छोटा सा टुकड़ा डाल के देखी हूँ, ये आप देख सकते हैं ये डालने के बाद ये थोड़े देर में ही ऊपर आ गया है। हमें इतना ही गरम तेल चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा ठंडा तेल नहीं चाहिए। अब मैं इस पर डाल दूंगी पकवान को। फ्रेंड्स अगर तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पकवान तुरंत ही लाल हो जाएंगे और अच्छे से सिकेंगे नहीं, और अगर बहुत कम तेल गर्म होगा तो इससे क्या होंगे पकवान बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे, तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे सेकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बार डाल के एक मिनट के बाद इसे पलट ली हूँ। अब यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़कर इसे अच्छे से लाल होने तक के सिकने दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे इसी तरीके से मैं सिकने दी हूँ। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इस तरीके से इस पर कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप अलट पलट के दोनों साइड से इस तरीके के कलर आने तक के सेक लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पकवान फ्राई होने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पकवान सेक कर तैयार है। इसी तरीके से मैं सभी पकवान को सेक कर तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दूसरा पकवान भी डाल दी हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसे इसी तरीके से सभी पकवान को सेक लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी पकवान बनकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पर ये दाल भी देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं दाल के ऊपर थोड़े से प्याज डालूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए। जब हमें मार्केट में मिलता है तो इसी तरीके से पकवान के ऊपर दाल डालकर फिर उसके ऊपर प्याज डालते हैं। साथ में ही मैं इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डालूंगी और ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ते डालकर इसको और गार्निश करूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने में भी इतना ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये पकवान का कितना करारा है। ये पकवान आप तोड़ेंगे इस तरीके से करारा आपको पकवान मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।